पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमेश्वर कबीर जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में सतलोक से चलकर आए और एक कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा नामक एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुई। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो महर्षि रामानंद स्वामी जी के शिष्य थे। उसके बाद उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमेश्वर को नीरू और नीमा नामक एक दुलाहा दंपति अपने साथ ले गया। वो स्नान करने गए थे उस तालाब में सुबह सुबह। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी थी, विक्रमी संवत 1455 था। उसके बाद परमात्मा लीला करते हुए बड़े हुए। जब परमेश्वर 25 दिन के हो गए और 25 दिन तक ना कोई दूध पीवे ना कुछ आहार करें और शरीर इतना स्वस्थ कि जैसे बच्चा डेली किलो दूध पीता हो, शरीर इतना स्वस्थ और 25 दिन हो गए जल भी ग्रहण नहीं किया। अब नीमा चिंतित होगी, नीरू भी चिंतित हो गया और कहने लगे है, क्योंकि नीरू और नीमा ये पहले ब्राह्मण थे, उसी जन्म में ये ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती इनको मुसलमान बना दिया था। बदे ही ये मुसलमान बन गए थे, फिर भी ये भगवान शंकर के कट्टर पुजारी थे। अंदर अंदर ये नमाज वगैरह करने जाते थे तो भी परमात्मा की ही स्तुति, शिवजी में आस्था फिर भी ज्यादा ही थी क्योंकि तो दक्कित बनाए गए थे। तो नीमा और ने प्रार्थना की है भगवान शंकर, हे भगवान, क्योंकि ये नी संतान थे और लगभग इनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई थी, 60 के आसपास, कोई संतान नहीं थी। और फिर रोज कसक करते थे, प्रार्थना करते थे शंकर भगवान से, ये हमें भी ये खिलौना दे दो प्रभु। तो परमात्मा शिशु रूप में मिलने के बाद विशेष कर नीमा को ये पक्का दृढ़ निश्चय हो गया कि मेरे शंकर भगवान ने मेरी बात सुन ली, मेरी पुकार सुनी। अब वो क्या कहती है कि हे भगवान शंकर, हे शिवजी महाराज, पहले तो इस दासी के पास कोई खिलौना था नहीं, आपने मेरी झोली भरी और मेरी इसके अंदर इतनी आस्था बन गई कि मैं इस बालक बिना जीवित नहीं रह सकती, मेरा इतना मोह बन गया इसमें, ना जाने इसमें कितना अट्रैक्शन है, कितना प्यारा है ये बालक, इसको मैं सीने से लगाती हूँ, मुझे अलग से आनंद आता है अपने बेटे को जो सीने से लगाती हूँ। और अब ये मरेगा क्योंकि 25 दिन हो गए इसने अन्न नहीं खा लिया, ना दूध पिया, जल तक भी नहीं अंदर गया इसके, ये भगवान ये कभी भी मौत को प्राप्त हो सकता है। और बुरी तरह रो रही है, कई दिनों से लगातार रो रही है, डेली प्रार्थना करती है, उसका भी खाना छूट गया, रोना शेष रह गया। एक दिन भगवान शिव जी शिवपुरी से आए अपने शिवलोक तक और एक साधु का रूप बनाया, ऋषि रूप बना करके कहने लगे माता, कहने लगे हे माई, तू क्यों रो रही है, बोल बेटी क्या दुख है तुझे। अब नीमा बोली कि ब्राह्मण मेरे दुख को मत सुने, आपको भी आंसू आ जाएंगी। यूं कहकर फिर रोने लगी।
भगवान शिव ऋषि रूप में विराजमान थे, कहने लगे माई, यूं कहते हैं, अपने दुख को किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है। आप बताओ, हो सकता है मैं कुछ आपका समाधान बता सकूं? तो रोते रोते बता रही है कि भगवान कहने लगी, ऋषि जी, पहले तो अभागिन के कोई संतान नहीं थी, और एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना की थी। उन्होंने मुझे लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक बालक दे दिया, ये बच्चा विराजमान है, और उस दिन से आज तक 25 दिन का हो गया प्रभु। ए ऋषि जी, बच्चे ने दूध नहीं पिया, अब ये मरेगा और साथ मैं मरूंगी, आत्मघात करूंगी, मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मेरा इसमें इतना मोह हो गया। भगवान शिव जी गदगद हुए और कहने लगे, दिखा तेरा बेटा कहाँ है माई। अब वह माई लाई ठाक है बच्चे ने और ऋषि जी के चरणों में डालना चाहा, इन्हों चरणों में डाल दिया, जैसे अपनी तरफ से उसने ऐसे डाल दिया, तो वहां से वो बच्चा उठा और शिव जी के सिर के बराबर, यानी जैसे खड़े थे शिव भगवान वो ऋषि जी, उसके सिर के बराबर दूरी पे, 5 फुट दूरी पे आकाश में विराजमान हो गए। अपने आप बगैर किसी आलंब के, अब वो निम्मा तो नहीं सोच रही, इस बाबा जी में करामात है, बेटे को इतना ऊंचा रख कर दिया, और वो लीला मालिक की थी कि वो शिव जी के चरणों में, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, और एकदम उनसे आकाश में वहां खड़े हो गए। तब भगवान शिव जी ने ऐसे किया और उनके हाथों में आ गए, हाथों में जब आए गोद में, तो शिव जी से परमात्मा ने कहा कि हे शिव जी, हे शिव भगवान, पहचान खुद मालिक थे, इनको कहो कि ये एक कुंवारी गाय ले आवे और कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा, आप उसके कमर पे थपकी लगा देना, वह दूध दिया करेगी डेली, तो ऐसी कुंवारी गायों का मैं दूध पीऊंगा जब तक मैं अनाहार करने योग्य नहीं होता। अब शिवजी भगवान के साथ ऐसे 7 बार चर्चा की और माई ने सोचा 25 दिन का बालक बोले कैसे, तो वह नीरू नीमा ये समझ रही कि इस बाबा जी में करामात है, मेरा बेटा बुला दिया। चलो जैसे भी था, शिवजी ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है, उसने आवाज लगाई, नीरू भी आ गया। शिवजी ने कहा कि बच्चा जाओ एक कुंवारी गाय ले आओ और एक कुम्हार के घर से एक स्वच्छ पात्र ले आना, 4-5 लीटर दूध आ जाए, ऐसा 5-7 लीटर का एक गढ़ा ले आना स्वच्छ। नीरू गया, एक कुंवारी बछिया ले आया, कुंवारी गाय, यानी कुंवारी गाय होती है जो कभी सांड के द्वारा कभी परेशान ना की गई हो, और दूध पीना छोड़ दिया हो उसने, अर्थात 1.5 वर्ष के आसपास, 2 वर्ष के, 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बीच की कुंवारी गाय होती है। नीरू गया, लेके आ गया सामान, गऊ भी ले आया। भगवान शिव जी ने उसके कमर पर थपकी मारी और कहा कि बर्तन नीचे लगा, वो लंबे लंबे सतन हो गए और गाय के सतन से दूध की धार बंद गई, वो पात्र भरते ही और अपने आप बंद होगी। आगे से शिवजी ने कहा कि तुम डेली इसको ऐसे ही प्रार्थना करना और ये दूध अपने आप जब चाहोगे तभी नीचे बैठ जाना और दूध दिया करेगी। तो वो बच्चे ने, कबीर परमात्मा ने दूध पिया, शिवजी भगवान चले गए। अब पुण्यात्माओं, ये कथा परमेश्वर कबीर जी की जीवनी में लिखी है
और इसी का प्रमाण वेद दे रहे हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, बालक रूप धारण कर एक लीला करने आता है सतलोक से, तो कवारी गायों द्वारा उसकी परवरिश की लीला होती है। पुण्यात्मा ये गूढ़ रहस्य है अपने सदग्रंथों में, और जब हम अपने सदग्रंथों से परिचित होंगे तभी हम भगवान पहचानेंगे परमात्मा के लीला करता यहां करके। अब देखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये ऋग्वेद हिंदी भाष्य है, 9-10 मंडल, ये कहां से छपा है? आर्य प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि सिद्धांत भवन राम लीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, इन्हीं के द्वारा अनुवादित। यहां देखो ये शिशुम रूप लिखा, शिशुम शिशुम माने शिशु, शिशु माने बालक, नवजात शिशु, नवजात बालक, छोटे से बालक का। इमम माने उस, सोम सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय सब प्रकार से अहिंसनीय धेनव माने गौवें तृप्त करती है। अपने आत्मा इन्होंने कहेगा बेरा था नहीं, संस्कृत जाने थे ये आचार्य लोग और ये नकली महर्षि। देखो जिसको रामायण की कथा का मौखिक ज्ञान नहीं और उस व्यक्ति को तुलसीदास जी कृत वो चौपाई वाली रामायण दे दी जावे और वो बेसिक हिंदी पढ़ रहा हो, उसको कोई सिर पैर नहीं, उसका अनुवाद नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं ये सृष्टि रचना रूपी रामायण जिसका याद है वो इन सदग्रंथों का अनुवाद आसानी से कर सकता है। इस दास ने संस्कृत सिर्फ 8वीं तक पढ़ी थी और 8वीं तक संस्कृत ऐसी ऐसी हो जैसे हिंदी भी ना ढंग से आओ, उसकी अक्षर भी ना पढ़ने आओ, 2-3 वर्ष पढ़ी जाती है। अर्थात कभी संस्कृत से हम परिचित नहीं, लेकिन ये क्योंकि हम तत्व ज्ञान से परिचित हैं और शब्द कोश हमारे पास है, उस और दो ये समझ लो चौपाई है, ये मंत्र हैं जैसे कबीर जी के दोहे हैं। अब उन दोहों का अर्थ भी नहीं कर सकते ये बिना, जिसको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं, कबीर जी के सुख संवेद को तो कद्दे भी अनुवाद नहीं कर सकते, वो तो हिंदी में ही वर्णित है। तो इन्होंने को पता तो था ही नहीं। इसका अर्थ है कि वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धार कर लीला करने आता है तो उस समय उस परमेश्वर की परवरिश की लीला कुंवारी गायें द्वारा होती है, कुंवारी गौओं द्वारा होती है। ओए होए, फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। ओहो, ये संस्कृत है और इसी संस्कृत का इन्होंने ब्रैकेट में संस्कृत है और हिंदी साथ में किया है। उस सोमम माने, इमम माने उस, सोमम माने अमर पुरुष, इन्होंने श्रद्धालु पुरुष लिख दिया। इस श्रद्धालु का के झगड़ा रह गया महिमा भगवान की, ये किरा कीड़ंगाड़ा दे। उस सोम माने अमर
उस अमर परमेश्वर की जो शिशु रूप में प्रकट होता है सभी प्रकार से अभी अधन्य, अभी माने सब प्रकार से, अधन्य माने बिना धनाई, जो गाय नए दूध ना हुई हो, जो सांड के द्वारा कभी प्रेस अहिंसनिया कभी परेशान ना की गई हो, कभी भी अभी अधन्य यानी पूर्ण रूप से कुंवारी, वो कहते हैं अनटच्ड। तो इस प्रकार से सभी प्रकार सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें देनु तृप्त करती है। ये बंदी छोड़। और परमात्मा खुद कहा करते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलू ये वेद जानते नाही। अब ये पुण्यात्मा ना तो दास ने ये वेद लिखे और न ही इनका अनुवाद किया कर रखा। ये करने वाले भी वही हैं जो इनके ठेकेदार हो रहे थे वेदों के, कि ये वेदों के बड़े ज्ञाता हैं, बड़े मय ऋषि थे, उन्हीं के द्वारा अनुवादित है, लेकिन इन्होंने अनुवाद का अड़ंगा कर रखा है, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। आगे देखो, ओए होए, मंडल नंबर 9 इसके सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 पढ़ लिया, अब 10 देखो इसमें क्या कहा है। इंद्र है कहते विज्ञानी पुरुष, इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है, और इसी श्रद्धा के भाव से सूरवीर अपनी वीरता के मद में मस्त होकर ऐश्वर्यों को प्राप्त होता है। इसका अर्थ तो कुछ और बना फिर इन्हीं के अनुसार, कि वो जो परमात्मा बालक रूप धार करके आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, कुंवारी गायों के द्वारा उसकी तृप्ति यानी परवरिश होती है, तो वो विज्ञानी पुरुष, वो विद्वान पुरुष, तत्वदर्शी संत रूप में इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है। वो आकर सब अज्ञान को हटाता है, तत्व ज्ञान प्रचार करता है। अब मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 2 और मंत्र नंबर 1 में सोम हे सोम स्वभाव और देवी दिव्यगुण युक्त परमात्मन, आप हमें पवित्र करें, और हे ऐश्वर्य युक्त परमात्मन आप ऐश्वर्य प्राप्त कराएं यानी हमें यहाँ सुख दें, हे आनंद वर्षक आप शीघ्र ही हमारे हृदय में प्रवेश करें और पवित्र करें तथा अवश्य रक्षा करें। इसका अर्थ है हे अमर परमात्मा आप अलौकिक शक्ति युक्त हैं, अमर परमात्मा सोम, और आप हमारी रक्षा भी करें और हमें यहाँ जब तक इस काल के लोक में रहें हमें कुछ सहारा दो दाता। फिर दो में कहा है कि सब कामनाओं के पूर्ण करने वाले सकल मनोरथ साहेब पूर्ण, हे सब कामनाओं के पूर्ण करने वाले यशस्वी महान परमात्मन आप हमें सर्वव्यापी ज्ञान का उपदेश करे, यानी उपदेश फिर जब करेगा जो प्रत्यक्ष आके बात करेगा, क्योंकि आप सब ज्ञान सविज्ञान और को और संविज्ञान को यानी तत्व ज्ञान को और संसार के कारणभूत प्रकृति को सब ओर से धारण किए हुए हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा साकार है और वो यहाँ आता है एक लीला करने आता है, तो इस प्रकार वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का और मंत्र नंबर 16, इसमें उसी से संबंधित है। इसमें क्या लिखा है कि वो शिशु रूप में जब प्रकट होता है परमात्मा जानबूझकर अपनी स्वेच्छा से ज्ञान प्रचार करने के लिए, वो अपनी महिमा की अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से प्रदान करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से देता है, जिससे उसको कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो होता है भगवान, लोग पहचानते नहीं,
वो होता है परमात्मा ही, लेकिन उसको प्रसिद्ध कवि कहने, प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है। ओए होए, तो हम कबीर जी को कवि नाम से ही जानते थे पहले, जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा, वेद बताते हैं वो प्रसिद्ध कवि भी प्रसिद्ध होता है, उसको उपाधि दी जाती है, लेकिन वो भगवान होता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96, इसमें 16 मंत्र में कहा कि हे परमात्मन, सरोपरी रहस्य श्रेष्ठ जो आप तुम्हारी संज्ञा है, ये देख रहो ये संस्कृत है बीच में ब्रैकेट में कोष्ठ में, तो इन कोष्ठ में जो ब्रैकेट में जो है ये संस्कृत है, इनका अनुवाद बाहर किया है इन्होंने, तो इसका अर्थ है हे परमात्मन सरोपरी रहस्य श्रेष्ठ, चारू माने श्रेष्ठ, नाम माने जो आपका सही नाम है, इन्होंने लिख दिया नाम का अर्थ लिया जो तुम्हारी संज्ञा है, यहाँ लिखना था हे परमात्मन आपका जो श्रेष्ठ नाम है वास्तविक नाम है आप उसका ज्ञान कराएं, आपका के नाम है, आगे लिखा है उसका कबीर देव नाम है। ये देखो ये है 17 नंबर मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 96 के 17 में यह लिखा है शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती विहीन मरुतो गणेन, यह है कबीर गिर भी कबीर, ये गिर गिर गय के ऊपर ई की मात्रा के साथ रह गया है, यू रह गया गिर भी काव्यना कवि, इसको हम कबीर भी बोल सकते हैं कबीर, क्योंकि आप सर्ग जैसे पुनः पुनर दोनों बोल सकते हैं, पुनः ऐसे भी लिख सकते हैं और पुनः के साथ में रह ला के हलंत ला सकते हैं। कबीर संत सोम, संत सोम है पवित्र अत्यति रेभन, रेभन माने ऊंची आवाज करके बोलता है वो परमात्मा। शिशुम इसका अर्थ है शिशुम जगानम हरियंती हरियंतम मर्दंती शुभंती, इसका अर्थ है कि हरियंतम शिशुम यानी मनुष्य के बच्चे के रूप में शिशु शिशु रूप में वो परमात्मा सविच्छा से जानबूझकर, जज्ञानम जय माने प्रगट होना और ज्ञान माने ज्ञान से अपने सूझबूझ से वो स्वयं बालक रूप धारण करके प्रगट होता है। इन्होंने क्या अर्थ किया कि शिशुम उस परमात्मा को, शिशु का अर्थ क्या है उस परमात्मा को जो इन्होंने संस्कृत में अपना कोई और श्लोक लेके इसका अर्थ करने की चेष्टा की है, सयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदिति शिशुम परमात्मा, शिशुम परमात्मा अरे शिशु परमात्मा वो बालक भगवान, बालक रूप भगवान इन्हीं के शब्दों, और वेद क्या बता रहे उस बालक रूप भगवान को जो सदा प्रगट है, सो यानी सदा साकार में है, उसको जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और सुभंती उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं, और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का जो चल कर आता है यहाँ पर गुणों के गणों का द्वारा वर्णन करते हैं, और कवि कवि लोग गिर भी, अब यहाँ इन्होंने क्या गड़बड़ी कर दी, ये है कबीर गिर भी, ये पूरा शब्द है कबीर गिर भी, आप पढ़े लिखे हो हिंदी तो हिंदुस्तान का बालक बालक पढ़ लेगा, बूढ़ा भी पढ़ लेगा, और ये नागरी लिपि है, कोई उर्दू भी कोई ना फारसी भी नहीं, काम नहीं समझ सकते, ऊपर रह लगा है दोनों कबीर गिर भी। इन्होंने क्या अर्थ किया है यहाँ पर, इन्होंने कबीर को तो कवि ही लिख दिया, दो अक्षर ला दिए कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ गिर भी माने अर्थ कर दिया वाणी द्वारा, कवि का अर्थ लिख दिया कवि लोग, गिर भी माने वाणी द्वारा, और ये लिखना था वो परमात्मा जो बालक रूप धारण करके वो शिशु रूपधारी भगवान जब जगान माने प्रगट होकर फिर बड़ा होता है, तो वो फिर अपनी महिमा की वाणी कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा, हम यहाँ लिख जा कबीर और गिर भी माने वाणी द्वारा ने अर्थ करे रखा है,
कबीर वाणी द्वारा कविताओं के की तरह कविन कविताओं से यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दालियों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उच्चारण करते हैं। सोमस रूप वो अमर परमात्मा, पवित्र वह परमात्मा कारणवस्था में अतीत सूक्ष्म प्रकृति को। अब देखो रेभनसन गर्जता हुआ, इवन की अकल देखो, यो सन की थाया रेबन की था, यहां से इसका जाल आया, ये तो अलग है संत, ये अर्थ ही रेभन, इन्होंने तय और दाने दोनों मिला के यो सन बना दिया। इसका रेभन सन यानी गरजता हुआ, अत्यति अकर्म अतिक्रमण करता है, इन्होंने तड़ंगा करने का ठेका ले रखा था, ज्ञान तो इनको था ही नहीं, करा के बना दिया। अब इसका क्या अर्थ है, ये तो इसलिए दिखाना अनिवार्य है कि यदि दास अपनी तरफ से अनुवाद करके किसी को दिखाओगा कत्ती नहीं माने, क्योंकि पहले तो कबीर जी ने अनपढ़ बताया करते कि वह शिक्षित था, के जाने वेदों से शास्त्रों के बारे में। अब इस दास को कहते हैं कि ये के जाने रामपाल संस्कृत के बारे में, ये तो विद्वान पुरुष बता सके, इन विद्वानों ने काट रखी राय पहले किसी बता रखी है, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था वो ज्ञान जो आज इस दास ने उसके ऊपर से अड़ंगा हटाने में इतना मजदूरी करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। इस दास ने परमेश्वर जी के दिए हुए ज्ञान का सारांश निकाल कर और इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा रूपी सदग्रंथ को जैसे घी ता दिया करे ना गर्म करके, उसे सारा मैल निकाल के और शुद्ध घी भर दे, वो 20 वर्ष 50 वर्ष खराब नहीं हुए, तो ऐसा इस अध्यात्म ज्ञान को ताके यानी शुद्ध करके इसमें रख दिया। अब इसमें देखिएगा, आपको दिखाते हैं जहां इसी मंडल का अनुवाद किया गया है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा इस पवित्र पुस्तक में आप देखेंगे इसका यथार्थ अनुवाद। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 में, हे परमेश्वर आप सब आयुध है, अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से युक्त हैं। ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा, 3 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, तो उसकी पहचान भी बता रखी है तत्व, उसमें क्या बताया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा तो उसके पश्चात असंख शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने तो कुछ और ही लिख रखा है, उसका अर्थ है कि तत्व ज्ञान रूपी हथियार के द्वारा काट के, यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझी हुई गुत्थी को काट के, अर्थात तत्व ज्ञान से समझ कर, उसके पश्चात चौथे 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष होता है। तो उसी का यहाँ कहा है कि आप अपने उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं और उस शस्त्र से आप इस अज्ञान को काट के और हमें अपना वास्तविक नाम बताएं। ये देखो, हे परमेश्वर आप अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं, सब आयुध है, आयुध माने शस्त्र हथियार, उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पूये माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें, जो सबके अंदर ये फोड़ा बन गया है अज्ञान का, अपने उपासक को अपने गुप्त सुखदाई चारों माने सुखदाई श्रेष्ठ नाम यानी नाम हुआ मंत्र का, आपका वास्तविक श्रेष्ठ जो नाम है गुप्त, उस नाम का ज्ञान कराएं। आगे भी काफी अच्छा, आगे देखो हम अपना काम चलाने की आपको दिखाएंगे, अधिक इसमें आप पढ़ सकते हैं, जो उपदेशी हो उसको हम ये देंगे। मंत्र 17 में शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीन
मरुत गणेन कबीर गिरभी काविना कबीर संत सोम है। कबीर संत सोम है पवित्र अतेति रेभन। सर्व सृष्टि रतनहार हरिय शिशुम उस सर्व कष्ट हरण पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विशाल विलक्षण बच्चे के रूप में जगानम जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को तम माने उस समय मर्दंती निर्मलता के साथ शुभंती उच्चारण करता है। वही ने प्रभु प्राप्ति की लगी विरह रूपी अग्नि वाले मरुत माने भक्त गणेन माने समूह के लिए काविना कविताओं द्वारा कविताओं से यानी लोकोक्तियों के माध्यम से शब्दों के माध्यम से पवित्रम अत्यति अत्यधिक निर्मला निर्मलता के साथ कबीर गिर भी कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन उन्होंने गर्जता हुआ लिखा है ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता है। वो कबीर संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। अब देखिएगा 18वें में 17 आपने पढ़ लिया, इसका भावार्थ है ये। वैसे इसका ये भी बहुत निर्णय देगा, लेकिन उसमें समझाना और उचित था। 18वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 18 का मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में ऋषि मना संस्कृत देखिए ऋषि मना ये ऋषि कर्थ सर्वसे सहसन अनिथा सहसन अनिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष शिष्या संत सोम विराजमानु राजति सतुप। इसका अर्थ है वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी, यह संस्कृत है उस मूल संस्कृत में पदवी ये लिखा पदवी। इसका अर्थ है उस कवि नाम पदवी प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात संत या ऋषि की भूमिका करता है उस ऋषिकृत यह संस्कृत में ऋषि मना यह ऋषिकृत उस ऋषिकृत अर्थात संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहसर अनिथ हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए उनके अनुयायियों के लिए सर्वसा स्वर्ग के तुल आनंददायक होती है अर्थात बहुत ही अच्छी लगती है। सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तृतीय तीसरे धाम धाम माने धाम ये देखो तुरियम माने तृतीयम माने तीसरा धाम माने लोक में रहता है। तृतीयम तृतीया माने तीसरे धाम माने मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की महिष्य माने सुदृढ़ पृथ्वी को सतलोक की पृथ्वी को शिष्य माने स्थापित करके यानी सतलोक की रचना करके पश्चात अनु माने पश्चात संत मानव सदृश संत रूप में सतुप गुम्बद अर्थात गुम्बद में ऊंचे टीले रूपी सिंहासन पर विराजमानु राजति उज्ज्वल सथूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। ओह बताओ भाई वेदों ने के कच्चा छोड़ रखा है। परमात्मा कहते वेद मेरा भेद है पर मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं क्योंकि उसके पाने की विधि नहीं है चारों वेदों अभी नहीं के द्वारा दिखा। अब देखो ये वेदों के बताने वेदों के ठेकेदार ये महर्षि दानंद जैसे सत्यार प्रकाश में लिखा कि परमात्मा निराकार है वो किसी एक लोक धाम में कितना नहीं रहता एक देशीय नहीं है वो तो सर्वव्यापक है और वेदों को सत मानते हैं और वेद कह रहे हो तो एक देशीय है
एक स्थान पर रहता है सतलोक में, वो तीसरे धाम में रहता है। देखो ये क्या बताना चाहते हैं, इन्हीं का अनुवाद देखिए। ये वही वेद वेद है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96। इसका मंत्र 16 हमने पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया, अरबी 18 पढ़ लिया। ऋषि मना ये ऋषि कर सौरसा सहसरणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष्य संत सोम शिष्या संत सोम विराजमानु राजती सतुप। सतुप का अर्थ होता है गुम्बज में। यहाँ देखिएगा अनुवाद है इन्हीं का, सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ महिष्य जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम। अब इसका तृतीयम माने तीसरा, धाम माने लोक यानी तीसरे। यहाँ पहला एक लोक एक धाम था ये काल का, दूसरा धाम ये ब्रह्म पर ब्रह्म का, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का उस सतलोक में। तो तीसरे धाम इन्होंने देवान और पितरान ये तो अपनी तरफ से रखा है, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम उसमें विराजमान है, ये लिखना था। इन्होंने ज्ञान योगी और लिख दिया इसमें अपनी तरफ से। ये ज्ञान योगी का जिक्र थोड़ा भगवान के लिए में ही माया था है, उसको प्रकाश करने वाला है अनुराजती अपने आत्माओं। इन्होंने तो कोई ज्ञान तो था ही नहीं, और परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, भाई वैसा ओड मुल मुल खासा गल मोतियों के आरे, वैसा ओड मुल मुल खासा गल मोतियों के आरे, पति भरता को मिले न खादी वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्योहारे, कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्योहार, ये सचों को तो झूठा बताओ इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर निरंजन धन तेरा दरबार, भाई कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, साचों को तो ये झूठा बताओ इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा कह तेरा काल तने जुलम कर रखे निकम्मे अड़ सारे उल्टे काम, एक निकम्मी लड़की दुष्कर्म से इतना जाने कितना धन कमा कर मौज मारती है अपने आप में, और एक जो पति भरता है जो नेक बेटी है उसको तो समय पर टूक भी नहीं प्रदान करने देता, क्योंकि यूं चाहे है कि ये सभी अपराधी बन जा और अपराधी बनकर मेरी कैद में ही पड़े रहे, बाहर ना जाओ। और ये नकली संत भेज के कहे इतने जुल्म करा दिया। परमात्मा ये ज्ञान दिया करता जो दास आज उन्हीं की महिमा उन्हीं की
बताई हुई बता रहा है, लेकिन उस समय ये अज्ञानी ऋषि ब्राह्मण गुरु नो कहा करते कबीर तो झूठा है, कपटी है, हमारे वेद शास्त्रों की निंदा करता है, अपने आप को भगवान बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इसका मारो डले, इसको मार दो, फूक दो, फक भगा दो, परमात्मा का करते निरंजन धन तेरा दरबार, अरे काल धन है तेरा ये किस ब्रह्मांड का राजपाठ, ये तेरा न्याय है यहाँ पर, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, इन पाखंडिया की पूजा जग में, ओहो इनके तो मंडलेश्वर महेश्वर पता नहीं के नाम दे रखे हैं, और बड़ी दुनिया इनके पीछे ला रखी, क्योंकि काल मन है और मन ही प्रेरित करके इनको वहां ले जाता उनके पास, तो बड़ा संत है, बड़े ऋषि हैं, और कहते हैं पाखंडी की पूजा जग में संत ने कहे लबाड़, और इन अज्ञानिया ने तो मैं ऋषि कहें, और परमात्मा कहते हैं और मुझे नो कहीं लबाड़ है जो मुँह माँ हुआ ये कह रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा है, इसलिए मुझे लबाड़ बोल रहे हैं ये, अगर बकवाद करे तो परमात्मा कहते कहे कबीर सुनो भी साधु यहाँ सब उल्टा व्यवहार, इन सच्चा न तो ये झूठा बताओ, अरे झूठा गाय तुबार। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ये कबीर जी है, वो कबीर है, कबीर संत सोम, वो कबीर परमात्मा है जो संत रूप में आकर तत्वदर्शी संत रूप में आकर भूमिका करता है, उस समय अपनी वाणियों को हजारों वाणी असंख्यों वाणी बोलता है कबीर वाणी के द्वारा, और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि बहुत प्रकार का विशेष विस्तार से अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान सचिदानंद घन की वाणी में, उस कबीर वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से लिख कहा गया है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर फिर 34 में कहा है कि जो ज्ञान 32 में मैंने बताया है सचिदानंद घन की वाणी का, चौथे अध्याय के 32 में, उस 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर के मुखारविंद से उच्चारित है, वो वाणी, वो कबीर वाणी, उसमें पूर्ण रूप से कंप्लीट नॉलेज है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब परमात्मा कबीर जी जब 2.5 वर्ष के हुए तो कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, क्योंकि आज हम जो कबीर पंथी बने हुए हैं, कबीर पंथी हिंदुस्तान में कम से कम बताता हूं आपको 4 करोड़ है, ज्यादा हो तो भी शायद हो सकते हैं, और 4 करोड़ के 4 करोड़ मिसगाइडेड हैं, जो अपने आप को कबीर साहब को मानते हैं कि हम कबीर पंथी हैं, जैसे ये पारख वाले हैं, पारख पारख ही बोलते हैं अपने आप के, वो तो कबीर पंथ में कीड़ा है, वो तो इसके नाशक है, और वो भी अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं, और उल्टा ज्ञान सारा वो कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, अरे ये तो शंकराचार्य पहले न कह के चले गए को 1500 वर्ष पहले, जीव ही ब्रह्म है, अगर जीव ब्रह्म है तो फिर भक्ति किसकी कर रहे हो, मेडिटेशन किस लिए कर रहे हो, तुम उसको खोजने के लिए किसको खोज रहे हो, जो तू ही भगवान है फिर ढूंढ किसने रहा, दिख्या है सो दूसर हो ही, अगर तू देखना चाहता है तो कोई और है, वो तू नहीं है, और उनके पीछे भी दुनिया लाग रही है, पता नहीं कितनी बोली आत्मा महाराज जी, क्योंकि हम हैं भगवान के इच्छुक, हमने परमात्मा चाहिए, आत्मा परमात्मा बिना रुक नहीं सकती, और ये वेशभूषा विशेष सी बना कर कबीर साहब जैसी कोई भी खड़ा हो जाए भोली आत्मा उसके पीछे पीछे बोले ओह महाराज जी आगे। अब उन्होंने ये नहीं पता कि महाराज जी कोई ना, क्योंकि कौन से तराजू में तोला उन महाराज जी कोई ना, अभी दास ने तराजू दे दिया और वट्टे दे दिए साथ ही वेदों और शास्त्रों और महापुरुषों के वाणी, अब इस तो तोलांगे नहीं महाराज जी, ताजा भाई लत ने तोल के देखा तेरी पैमाइश कर दिया 2 मिनट में, तू कितना ज्ञानी है, तू कौन सा नाम देता है, तेरा कौन भगवान है, कैसा प्रभु है तेरा, तो सभी निराकार बताते हैं, और नाम भी ये 3 मंत्र का कोई नहीं देता।
हाँ और नाम तीन बना कर देते हैं, जैसे धन धन सतगुरु वाले देते हैं, अकाल मूर्त सदस्वरूपी राम सतपुरख। अरे तेरा गज हो, ये कोई नाम होया? अब सतपुरुष तो अविनाशी परमात्मा है और अकाल मूर्त भी अविनाशी परमात्मा, जिस मूर्ति का नाश ना हो, साकार भगवान का। और सतपुरुष माने भी अविनाशी भगवान, पुरुष माने परमात्मा, सत माने अविनाशी। सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, यूं बांटे जा। अब वो तो हमने ढूंढना है, खोजना है, ये पानी कहो, जल कहो, नीर कहो, वो खोजने की विधि न्यारी है, हैंडपंप लगाना पड़ेगा, वो इंस्ट्रूमेंट अलग है और वो पंप, हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी पड़ेगी, वो सत नाम और सार नाम की ये बोकी और ये हैंडपंप न्यारा लाना पड़ेगा, तब वो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम और सतपुरुष प्राप्त होगा, ना इसके कैंड कैंड तक पानी प्राप्त ना हो जब तक हैंडपंप नहीं लावांगे। और जो राधा स्वामी वाले पंथ के नाम देते हैं वो पांच नाम है, रंकार ओंकार ज्योति निरंजन, ये तीनों नाम काल के, और सोहम और सतनाम। अरे वाह, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। यहां सतनाम नहीं है, यहां शक्ति शब्द है। परमात्मा ने बताया है कि ये पांचों नाम, कबीर जी ने बताया, ये पांचों नाम काल ने अपने मुख से सबसे पहले उच्चारण किया था लोगों, इन बोली आत्माओं को भ्रमित करने के लिए। ये कोई सा भी मंत्र जाप करने का नहीं है और इनके इनके अभ्यास से इनको एक एक सिद्धि की प्राप्ति होती है और वो काल के लोक में ही रह जाते हैं, ये मोक्षदायक नहीं। जब परमात्मा पांच वर्ष के हुए तो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, जो भी कहीं चर्चा करता था जाते मुंह बंद कर देता, तेथे परमात्मा के तू गलत बोल रहा है, कोई कहता परमात्मा निराकार है, परमेश्वर कहते इतनी वेदों में पढ़ कर देख भगवान साकार है, तो मानते नहीं थे, देख भी लेते थे। अब परमात्मा ये चाहते थे, अब जैसे कबीर पंथी है, अब ये क्या कहते हैं कि भाई कबीर जी कंठी दिया करते, एक माला गले में होनी चाहिए, और जिसके माला नहीं है भैया वो कौन सा, वो कबीर पंथी है ही नहीं। अरे कमाल के आदमी, एक माला तक कबीर पंथी बन गए तुम, कबीर पंथी बनोगे परमात्मा के प्रत्येक मर्यादा का पालन करने। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।